गुड मॉर्निंग एवरीवन और वेलकम टू एस इंग्लिश. टुडे इज़ आवर फोर्थ लेक्चर और जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, विल कंटिन्यू विद वर्ब्स. ओके, सो लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस. हैड यू अ कार व्हेन यू लिव्ड इन लंदन? आई डू नॉट रिमेंबर एवर राइडिंग इट व्हेन आई विजिटेड यू 3 years बैक. तो ये किस तरह का क्वेश्चन है, किस तरह का सेंटेंस है? क्वेश्चन मार्क आया है तो किस तरह का होता है? दिस इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है. और इसमें कैसे स्टार्ट किया, हैड यू अ कार. सो वेन एवर इट्स अ इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो दिस इज नॉट द राइट वे टू आस्क. तो हम लोग कैसे पूछते हैं, डिड यू हैव अ कार, बिकॉज ये पास्ट की बात कर रहा है, वेन यू लिव्ड इन द लंदन. डू यू कैसे कहते जब प्रेजेंट टेंस होता है कि डू यू हैव अ कार, बट ये बोल रहा है कि जब वो लंदन में रहता था तो क्या उसके पास कार था. सो द राइट वे टू से दिस वुड बी डिड यू हैव अ कार. हैव अ कार, हैव मतलब क्या, पोजेशन. सो वेन एवर एक वर्ब, अब यहाँ पे हैड एक पोजेशन की बात कर रहे हैं, हैविंग समथिंग, हैविंग अ कार मतलब उसके पास था कि नहीं. तो जब भी ऐसा पोजेशन वाले वर्ब्स होते हैं तो हम लोग कभी भी हैड यू से शुरू नहीं करेंगे, हम लोग बोलेंगे डिड यू हैव अ कार एंड बाकी सेंटेंसेस फाइन. तो आंसर है वन. सेकेंड क्वेश्चन, फॉर द एग्जाम टुमारो यू ओनली मस्ट रीड दिस चैप्टर. देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस सेंटेंस. सो फॉर द एग्जाम टुमारो, यानी कल एक एग्जाम है, यू ओनली मस्ट. तो ये जो ओनली मस्ट है, ओनली क्या है, ओनली इज अ एडवर्ब जिसको बाद में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. मस्ट, ये जो वर्ब, दिस इज एन ऑक्सिलरी वर्ब. मेन वर्ड क्या है, रीड, रीडिंग. सो फॉर द एग्जाम टुमारो यू ओनली मस्ट रीड दिस चैप्टर. तो ऐसा जब होता है, जब एडवर्ब यूज करते हैं हम लोग साथ में वर्ब के, तो एडवर्ब हमेशा वर्ब के बाद आता है. ठीक है, तो क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर, फॉर द एग्जाम टुमारो यू, तो वर्ब क्या है, मस्ट, यू मस्ट, एंड देन द एडवर्ब विल कम विच इज ओनली. यू मस्ट ओनली रीड दिस चैप्टर, बाकी सारा करेक्ट है. तो आंसर हमारा बी होगा क्योंकि यहाँ पे एरर है. माई मदर इन लॉ इज कमिंग फॉर डिनर टू नाइट. आई हैव टू मेक अरेंजमेंट सो आई कांट डेफिनेटली गो फॉर शॉपिंग विथ यू टुडे. तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि भैया आज मदर इन लॉ आ रही है तो मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं जा सकता. आई कांट डेफिनेटली गो फॉर शॉपिंग मतलब मैं तुम्हारे से डेफिनेटली आज शॉपिंग पे नहीं जा सकता क्योंकि मुझे अरेंजमेंट करना है. सो ग्रामर को देखते हैं, पहला पार्ट ठीक है, दूसरा पार्ट भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है. आई कांट डेफिनेटली, अब जब भी ये वर्ब नेगेटिव होता है, नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया कैन, दिस इज पॉजिटिव, और इसका नेगेटिव होगा कांट यानी कैन नॉट, सो दैट इज नेगेटिव. तो जब भी वर्ब नेगेटिव होता है, एडवर्ब जो होता है, तो जो एडवर्ब होता है वो वर्ब के पहले आएगा. अभी लास्ट वाले एग्जांपल में हमने क्या देखा था कि वर्ब के बाद एडवर्ब आ रहा था, बट यहाँ पे ये पॉजिटिव सेंटेंस था, है ना, मस्ट नहीं था, मस्ट नॉट नहीं लिखा हुआ था जो कि नेगेटिव है, और मस्ट ये पॉजिटिव था इसीलिए एडवर्ब जो है वो बाद में आ रहा था. पर जब भी ये नेगेटिव होता है वर्ड, एडवर्ब जब भी वर्ब नेगेटिव होता है यानी कांट, तो एडवर्ब जो है वो पहले आएगा वर्ड के. सो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आई डेफिनेटली कांट, डेफिनेटली कांट. सो एरर हमें दिख रहा है पार्ट डी में और ये है हमारा आंसर. The local trains are very crowded during office hours. Since he is new in Mumbai, he must not absolutely travel alone at that time. So the local trains are crowded, ये factual sentence है, इसमें कोई error नहीं है. अब हम लोग part C में आते हैं, he must not absolutely. अभी last वाला example हमने देखा था, जब भी negative होता है mustn't, must not यानी कि must का negative है ये. तो नेगेटिव में क्या होता है, जो एडवर्ब होता है, यहाँ पे क्या है एडवर्ब, एब्सोल्युटली, तो ये पहले आएगा और उसके बाद मस्ट नॉट आएगा यानी कि एब्सोल्युटली
absolutely must not. Please ignore my handwriting. He absolutely must not travel alone. तो ये होगा करेक्ट आंसर, पार्ट सी है और यस तो सी में एरर है, बाकी सब करेक्ट है. आई वॉज माइंडिंग माई ओन बिजनेस वेन हु शैल आई एनकाउंटर बट माई ब्रदर टॉम. आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज टू सी हिम. सो ये क्या है, बहुत सरप्राइज लग रहा है कि भाई आई वॉज डूइंग माई वर्क और सडनली मैंने क्या देखा कि टॉम माई भाई, मेरा भाई जो है वो है, मैंने उसको देखा. तो ही वॉज वेरी सरप्राइज. तो जब भी ऐसे सरप्राइज वाले सेंटेंसेज होते हैं तो यहाँ पे कौन सा वर्ब पे हमें फोकस करना है, शैल. तो शैल जब भी सरप्राइज हो रहा है ऐसे सेंटेंस में, ऐसा लग रहा है कि जो स्पीकर है इज सरप्राइज, तो वी नेवर यूज शैल, वी यूज शुड. ठीक है, सो यहाँ पे एरर हमें दिख रहा है पार्ट बी में एंड दिस इज आवर आंसर, बाकी ठीक है. सो ये आप ध्यान रखना, जब भी एक सेंटेंस में लग रहा है कि जो स्पीकर है ये साउंडिंग वेरी सरप्राइज, तो हम लोग प्रेजेंट टेंस यूज नहीं करेंगे शैल का, वी विल यूज द पास्ट टेंस और यहाँ पे है ये शुड. ठीक है, ओके तो ऑल राइट इफ आई गेट. अच्छा ये दो सेंटेंसेस है क्वेश्चन सिक्स में, टू क्वेश्चंस. तो पहला देखते हैं, पता करते हैं कि दोनों में से किस में एरर है. स्पीकर ए, इज इट ऑल राइट इफ आई गेट अ राइड होम विद यू अगेन टू नाइट. एंड स्पीकर बी, सॉरी नो कैन डू, आई नीड टू हेड टू द एयरपोर्ट आफ्टर वर्क. सो पहले क्वेश्चन में, पहले वाले सेंटेंस में तो कुछ एरर नहीं दिख रहा है, इज इट ऑल राइट. तो वो पूछ रहा है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर तुम मुझे घर फिर से छोड़ दोगे आज. तो स्पीकर भी बोलता है कि नो कैन डू आई नीड टू हेड टू द एयरपोर्ट आफ्टर वर्क. तो इसमें कहीं एरर दिख रहा है क्या, नो कैन डू ये क्या है? तो इसमें कोई एरर नहीं है, ये जो कैन डू है इडियोमैटिक फ्रेज और इसका मतलब, और ये अकेले भी सेंटेंस में रह सकता है. ठीक है, ये कभी कभी यूज होता है इन रिस्पॉन्स टू अ रिक्वेस्ट और एन इंस्ट्रक्शन. तो इसका मतलब होता है कि या तो कैन डू या नो कैन डू. कैन डू मतलब हाँ वो कर सकता है और नो कैन डू मतलब नहीं कर सकता है. तो यूजुअली अमेरिकन इंग्लिश में स्पेशली इस तरह से लोग रिप्लाई करते हैं. सो दिस इज नॉट ग्रामेटिकली रॉन्ग. सो इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है और फाइव है हमारा आंसर. सो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन सेवन, इफ ही डेयर्स क्रॉस मी अगेन आई विल मेक श्योर ही पेज डियरली फॉर इट. आई एम नॉट गोइंग टू स्टैंड हिज कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म एनी मोर. तो क्या एरर कहीं दिख रहा है क्या? पहले अगर देखेंगे पहले बार में तो शायद लगे कि कोई एरर नहीं है, मगर इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं. इफ ही डेयर्स क्रॉस मी अगेन, ये जो पहला पार्ट है, ही डेयर्स क्रॉस, तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, क्रॉस है ना, यानी कि गुस्सा दिलाना. और डेयर्स यहाँ पे मतलब क्या कह रहे हैं, कि अगर उसकी हिम्मत हुई, तो ये कहना चाह रहे कि अगर उसकी हिम्मत हुई मुझे गुस्सा दिलाने का. तो ये जो डेयर है ये मेन वर्ब ये है, तो ये उसको सपोर्ट कर रहा है. ठीक है, और ये दोनों मिलके सॉर्ट ऑफ एक फ्रेज बना रहे हैं, डेयर्स क्रॉस. तो जब भी ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक ऑक्सिलरी वर्ब है, इसको हम लोग कहते हैं सेमी मॉडल वर्ब. ठीक है, कि ये मेन वर्ब नहीं है, ये सपोर्ट कर रहा है जो मेन वर्ब है. तो ऐसे केसेस में ये दोनों मिलके जो है एक एक्सप्रेशन बनाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला जो वर्ब है यानी कि ये वाला जो मॉडल वर्ब है, इसमें हम लोग ये कॉन्जुगेट नहीं करता फॉर अ पर्सन. और कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है, कि अगर वो ही है तो, जैसे अगर सिंगुलर वर्ड है तो उसको अगर हम लोग वर्ब उसके बाद हम लोग यूज कर रहे हैं तो एस लगा देते हैं, सिंपल है. दे होता है तो तो यहाँ पे जैसे क्रॉसेस या डेयर्स है ना, डेयर्स, और यहाँ पे डेयर अगर प्लूरल होता तो. बट चूंकि ये दोनों मिलके एक एक्सप्रेशन बना रहे हैं, तो इसमें जो फर्स्ट वर्ड है ये कॉन्जुगेट नहीं होगा फॉर द सिंगुलर और प्लूरल, यानी फॉर द पर्सन. तो यहाँ पे एरर दिख रहा है, इट द राइट वे ऑफ सेइंग इट शुड बी इफ यू डेयर क्रॉस मी अगेन. सो एरर हमें दिख रहा है ए, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, बाकी तो ठीक है. क्वेश्चन एट, आई कांट बिलीव ही फाइनली डेयर टू स्टैंड अप टू हिज बॉस. इट वॉज हाई टाइम समवन पॉइंटेड इट आउट टू हिम हाउ हिज बिहेवियर इज नॉट अप्रोप्रिएट.
तो इसमें भी डेयर वाला जो वर्ब है वो आया है पिक्चर में. आई कॉन्ट बिलीव ही फाइनली डेयर्ड. लास्ट क्वेश्चन में क्या था, इफ़ यू डेयर क्रॉस मी अगेन. तो डेयर क्रॉस जो है ये एक एक्सप्रेशन बन रहा था, इसीलिए जो पहला वर्ड है ये कॉन्जुगेट नहीं हो रहा था पर्सन को लेके, इसीलिए यहाँ पे हम लोग उसको प्लूरल या सिंगल से सिंगुलर से रिलेट नहीं कर रहे थे और बेस वर्ड ही रहने दिया हमने, चेंज नहीं किया डेयर को डेयर्स नहीं किया. बट यहाँ पे क्या वो लॉजिक अप्लाई होगा, आई कॉन्ट बिलीव ही फाइनली डेयर्ड. तो ये तो मेन वर्ड है, यानी कि वो कह रहा है कि आई कॉन्ट बिलीव ही फाइनली डेयर्ड. ठीक है, तो जब मेन वर्ब की तरह यूज होता है वर्ब तो वो कॉन्जुगेट होता है, और ये आई कॉन्ट बिलीव ही फाइनली डेड पास्ट टेंस की बात हो रही है तो इसको पास्ट टेंस कर दिया गया है. सो इसमें कोई एरर नहीं है इस सेंटेंस में, और फाइव होगा आंसर बिकॉज दिस इज अ ग्रामेटिकली करेक्ट आंसर, करेक्ट स्टेटमेंट. सो क्वेश्चन 9, नथिंग नीड चेंज. नथिंग इज अ सिंगुलर वर्ब, तो लग रहा है कि नीड्स अगर उसके बाद आ रहा है तो सिंगुलर के लिए कॉन्जुगेट हो रहा है पर्सन के लिए, तो एस लग रहा है विच इज फाइन. मगर ये नथिंग नीड जो है यहाँ पे, दिस इज टुगेदर दे आर फॉर्मिंग एन एक्सप्रेशन. तो ये आप नोटिस नोट करना कि नथिंग नीड चेंज, अभी ऐसा कुछ सेंटेंस होगा कि नथिंग नीड टू बी डन. ऐसे में ये जो नीड है, क्योंकि ये दोनों मिलके एक एक्सप्रेशन बना रहे हैं यहाँ पे, दिस इज एन एक्सप्रेशन नथिंग नीड, तो यहाँ पे कॉन्जुगेट नहीं होगा और यहाँ पे एस नहीं लगेगा, तो करेक्ट आंसर वुड बी नथिंग नीड चेंज. सो एरर हमें दिख रहा है पार्ट ए में. ऑल्टरनेट वे इसको क्या होता है बोलने का, कि नथिंग नीड्स टू चेंज. अगर टू लगा होता है यहाँ पे तो फिर ये कॉन्जुगेट हो जाता है, यानी कि नथिंग नीड्स टू चेंज तब करेक्ट था. अगर यहाँ पे टू नहीं लगा है तो या तो ये आप ऐसे लिखो नथिंग नीड चेंज, या फिर नथिंग नीड्स टू चेंज. सो दैट ये दो ऑप्शन है टू से द सेम थिंग, और एरर इन एनी केस ए पे है, तो दैट इज आर करेक्ट आंसर. और क्वेश्चन 10, वी नीड टू नो इफ द मीटिंग इज टेकिंग प्लेस टुमारो, इफ नॉट ही इज प्लानिंग टू फ्लाई आउट ऑफ टाउन फॉर हिज सन्स बर्थडे. ही नीड टू नो. अब पिछले क्वेश्चन में क्या था, नथिंग नीड चेंज. अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ये टू. जब ये टू आ गया पिक्चर में एक सेंटेंस में, तो ये फिर एक एक्सप्रेशन नहीं है, तब फिर इसको हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन ये प्लूरल है या सिंगुलर. अगर दे होता तो दे नीड टू नो, विच इज़ फाइन. बट ये सिंगुलर है तो क्या करते हैं हम लोग, एस लगाते हैं वर्ब में, तो ही नीड्स टू नो. सो यहाँ पे एरर दिख रहा है ए में, करेक्ट आंसर शुड बी ही नीड्स टू नो इफ द मीटिंग इज टेकिंग प्लेस. 11, स्टडी मैथमेटिक्स एट हार्वर्ड was her ultimate dream. She was overjoyed when she was finally selected for admission. तो ये क्या है, study base verb है, पर यहाँ पे एक लग रहा है कि noun use होना चाहिए. study mathematics at Harvard was her ultimate dream. तो इसके दो correct way हो सकते हैं लिखने के, या तो studying mathematics, in which case verb पे हम लोग ing लगा के इसको gerund बना दिया, तो यहाँ पे वो correct है grammatically. सेकेंड हो जाता अगर हम लोग वर्ब को इन्फिनेटिव बना दे, तो इन्फिनेटिव हमने पहला वर्ब का जब क्लास कर रहे थे तो मैंने बताया था इन्फिनेटिव क्या होता है. यूजुअली जब वर्ब बेस वर्ब के आगे टू लगा रहता है तो वो इन्फिनेटिव होता है दोनों मिलके. तो ये एक दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है दैट टू स्टडी मैथमेटिक्स एट हार्वर्ड वॉज हर अल्टीमेट ड्रीम. तो इन एनी केस एरर हमें दिख रहा है ए में. तो ये दो तरीके हैं इसको बोलने के सेंटेंस को, या तो स्टार्टिंग लगा दिया जेरंड बना दिया, या फिर इन्फिनिटिव बना दिया. सो दिस इज अ जेरंड एंड दिस इज एन इन्फिनिटिव वर्ब, क्योंकि इसमें टू लगा हुआ है. ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू द पार्टी अनलेस यू अग्री टू को गोइंग विथ मी. आई हार्डली नो एनी वन देयर विथ हुम आई कैन टॉक. ओके, सो आई एम नॉट गोइंग टू द पार्टी, दिस इज लुकिंग फाइन अनलेस यू अग्री टू गोइंग विद मी. अभी यहाँ पे जब टू लगा दिया है तो लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा था टू कब लगाते हैं इन्फिनेटिव करने के लिए, और जब भी हम इन्फिनेटिव करते हैं तो वर्ब जो है वो बेस वर्ड रहता है. यहाँ पे किस चीज़ का वर्ब है, ये बेस वर्ब क्या है, गो. बट यहाँ पे कंटिन्यूस टेंस में लगा दिया आई एन जी लगा के, ठीक है, तो ये रॉन्ग है. तो क्या होना चाहिए था, टू गो. Unless you agree to go with me, because to already दिया है, infinitive होना चाहिए यहाँ पे, तो हम लोग base ही रखेंगे. Infinitive के साथ हमेशा, यानी कि to के साथ हमेशा
बेस वर्ब यूज होता है यहाँ पे गो है. सो आंसर इज बी बिकॉज यहाँ पे एरर है. वी रेयरली मैनेज टू गेटिंग आउट ऑफ द हाउस फॉर द नाइट. वी मस्ट गो टू बेड अर्ली सो दैट वी कैन रीच ऑफिस ऑन टाइम. तो ये भी बहुत सिमिलर लास्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी हम सेकेंड पार्ट में जब हम जाते हैं वी रेयरली मैनेज टू गेटिंग आउट. ये टू लगा दिया यानी कि इन्फिनेटिव हो रहा है वर्ब. और यहाँ पे बेस वर्ब क्या है गेट. बट यहाँ पे तो उसको कंटिन्यूस टेंस में कन्वर्ट कर दिया आईएनजी लगा के. सो करेक्ट आंसर शुड बी टू गेट. वी रेयरली मैनेज टू गेट आउट ऑफ द हाउस है ना. सो एरर पार्ट बी में है और ये है हमारा आंसर. इट वॉज ऑब्वियस दैट जेरी हु केम विद सैली रियली एंजॉयड डिनर हैविंग हैड अ सेकेंड हेल्प ऑफ डेजर्ट. सो इट वॉज ऑब्वियस दैट जेरी हु केम विद सैली ये तो ठीक लग रहा है. लास्ट पार्ट देखते हैं हैविंग हैड अ सेकेंड हेल्प ऑफ डेजर्ट. ये क्या होता है हेल्प ऑफ डेजर्ट. हेल्प ऑफ ये क्या कहना चाह रहे हैं. जब भी कुछ अच्छा लगता है तो हम लोग बोलते हैं ना कि थोड़ा सा और दे दो पर्सन. जब भी हिंदी में कहते हैं पता नहीं आप लोगों ने ये वर्ड यूज किया है कि नहीं. यानी कि फिर से वो मांग रहा है. तो ऐसा जो हेल्प ऑफ डेजर्ट उसके लिए राइट टर्म नहीं है. जब भी ये दूसरे सर्विंग की बात कर रहे हैं कि मुझे एक बार और चाहिए कुछ भी खाने के लिए तो उसको करेक्ट वर्ड होता है हेल्पिंग. ठीक है. सो यहाँ पे बेस वर्ड जो है हेल्प उसको हम लोगों को आई एन जी लगा के जेरंड बनाना है और तब वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा हैविंग हैड अ सेकेंड हेल्पिंग ऑफ डेजर्ट. सो एरर है पार्ट डी में. When Shweta was trying to explain the situation to her husband, he listened very attentively. I am seeing your point. So, error A में तो नहीं है, B में भी नहीं है और C में भी नहीं है. Last part देखते हैं. I am seeing your point. I am seeing your point से क्या कहना चाह रहा है कि भाई मैं तुम्हारा बात समझ में आ रहा है मुझे. तो I am seeing your point क्या ये correct way है, correct expression है. सो जब भी होता है कि वेन वी वॉन्ट टू अग्री है ना. सो सीइंग क्या है यहाँ पे एक एक स्टेट को बता रहा है कि मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ. ठीक है. ही इज नॉट लिटरली तो वो तुम्हारा पॉइंट नहीं देख रहा है. वो एक बताना चाह रहा है कि मैं तुम्हारी बात समझ में आ रहा हूँ. तो फिगरेटिव है यहाँ पे सीइंग. और ऐसे जो वर्ब्स होते हैं जिसको हम लिटरली नहीं लेते एक सेंटेंस में इसको कहते हैं स्टेटिव. मैंने पहले वाले स्लाइड में भी बताया था स्टेटिव वर्ब. और जब भी ऐसे स्टेटिव वर्ड्स होते हैं लोग उसमें आई एन जी नहीं लगाते उसको बेस रखते हैं. और क्या होगा इसका करेक्ट आंसर आई सी योर पॉइंट. सिंपली आई सी योर पॉइंट ही सेड. ठीक है. तो एरर कहाँ दिख रहा है पार्ट डी. सो ये हमारा करेक्ट आंसर है. तो ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि शी इज़ प्रेफरिंग हर फ्रेंड्स. तो ये भी एक इमोशन बता रहा है कि उसे अच्छा लगता है अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ रहना है ना. तो जब भी इमोशन वाले वर्ब्स आते हैं सेंटेंसेस में तो उसमें कंटिन्यूस टेंस नहीं लगता है. तो क्या होगा यहाँ पे शी प्रेफर्स. शी इज प्रेफर्स भी नहीं होगा. ये भी गलत है. सिंपली शी प्रेफर्स विच इज द मेन वर्ड. ठीक है. तो एरर हमें दिख रहा है पार्ट सी में और ये है हमारा करेक्ट आंसर. मॉली इज वेरी एक्साइटेड. मॉली इज वेरी एक्साइटेड दैट शी विल बी हैविंग अ लार्ज हाउस बाय द एंड ऑफ द ईयर. हर हार्ड वर्क हैज फाइनली पेड ऑफ. सो मॉली इज वेरी एक्साइटेड. ठीक है. दैट शी विल बी हैविंग अ लार्ज हाउस. तो हैविंग अ लार्ज हाउस हैव मतलब यहाँ पे कैसे यूज हो रहा है पोजेशन कि उसके पास घर होगा है ना. पोजेशन की बात हो रही है. तो जब भी पोजेशन वाले वर्ब्स जो होते हैं यानी कि जो वर्ड्स ये हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि कुछ यू नो कुछ पोजेस यानी कि कुछ चीज़ अपने पास होने की बात हो रही है तो यहाँ पे भी कंटिन्यूस टेंस नहीं होता है. तो क्या होना चाहिए दैट शी विल Have a large house, है ना. तो फिर हम लोग बेस वर्ब भी लेते हैं यहाँ पे हैव इज द बेस वर्ब. तो दैट मॉली इज वेरी एक्साइटेड दैट शी विल हैव अ लार्ज हाउस. बी हैविंग की जगह होना चाहिए हैव. तो एरर हमें दिख रहा है पार्ट बी में. अच्छा हैविंग कब हम यूज करेंगे. हैविंग हम यूज करेंगे फॉर एग्जाम्पल हैविंग अ बेबी.
दैट शी इज हैविंग अ बेबी, मतलब एक बेबी का बर्थ होने वाला है ना, या फिर हम लोग वो बोलते हैं हैविंग लंच, हैविंग लंच यानी कि खा रहे है ना, खाने की बात हो रही है, या फिर हम यूज़ करते हैं, या फिर हम यूज़ करते हैं हैविंग अ पार्टी, हैविंग अ पार्टी. सो इन तीनों जो तीनों सेंटेंसेस में ये पोजेशन की बात नहीं कर रही. यहाँ पे हैविंग का मतलब है दैट समबडी इज़ अबाउट टू गिव बर्थ, यानी कोई बच्चा बेबी का बर्थ होने वाला है, कोई खाना खा रहा है सेकेंड सेंटेंस में, और कोई पार्टी करने वाला है. यहाँ पे कोई पोजेशन की बात नहीं हो रही है ना. अगर पोजेशन की बात होती है नहीं, हैव अ लार्ज हाउस, हैव अ लार्ज हाउस, तो उसमें बेस वर्ब लगेगा. ठीक है, ओके. तो एरर है हमारा पार्ट बी में. मूविंग, रॉबर्ट बॉट अ स्प्लेंडेड फार्म हाउस ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ लोनावला. ही ऑल्सो लव्स कार्स एंड इज ओनिंग 3 मर्सिडीज नाउ. सो यहाँ पे हम लास्ट पार्ट में देखते हैं, तो सेकेंड सेंटेंस है ही ऑल्सो लव्स कार्स एंड इज ओनिंग 3 मर्सिडीज. यहाँ पे भी ओनिंग जो है पोजेशन की बात हो रही है कि उसके पास है ना, 3 मर्सिडीज है उसके पास. तो जैसे लास्ट एग्जाम्पल में हमने देखा था ओनिंग के साथ कंटिन्यूस टर्न नहीं लगेगा, कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ द बेस वर्ड, बेस वर्ड क्या है, ओन. तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ही ऑल्सो लव्स कार्स एंड ओन्स 3 मर्सिडीज नाउ. ठीक है, सो ये होगा करेक्ट आंसर. और एरर हमें देख रहा है पार्ट डी में. अभी जो पोजेशन की हमने बात किया, जैसे लास्ट एग्जांपल में था, क्या 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 ऐसे वर्ब्स है जो पोजेशन की बात कर रहे हैं. एक होता है हैव, हैविंग मतलब है ना. सेकेंड होगा बिलोंगिंग, टू बिलोंग, ये पोजेशन के लिए यूज होता है, दैट दिस बिलोंग्स टू मी है ना, या फिर पोजेशन सिंपली. तो ये सब जो सेंटेंसेस हैं इसमें बेस वर्ड ही यूज होगा, यानी बिलोंग होगा, हैव होगा, पोजेस होगा, दैट शी पोजेसेस समथिंग, या दिस बिलोंग्स टू हिम है ना. इसमें ये हम नहीं बोलेंगे कि दिस इज बिलोंगिंग टू मी, लाइक दिस पेन इज बिलोंगिंग टू मी इज रॉन्ग. ये तीनों वर्ड का जो बेस वर्ड है हैव, बिलोंग एंड पोजेस, तीनों जो है ओनरशिप की बात कर रही है ना, पोजेशन की बात कर रही है. तो ऐसे वर्ड्स जिससे इंडिकेट हो रहा है कि कोई चीज़ की पोजेशन की बात हो रही है, उसमें कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ द वर्ड नहीं यूज होता, यानी आईएनजी हम नहीं लगाते, बेस ही रखते हैं इसमें. पर एक कॉन्जुगेट होगा फॉर द पर्सन, यानी सिंगुलर है या प्लूरल है वो यूज करेंगे. जैसे दिस बिलोंग्स टू मी, एक सिंगल टेंस के लिए यूज करें, यानी दिस दिस बिलोंग्स टू मी. अगर प्लूरल होता कि दे बिलोंग टू मी है ना, तो फिर एस या लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, डिपेंडिंग अपॉन कौन से प्लूरल है या सिंगुलर है. ठीक है, मगर आईएनजी नहीं लगेगा इन सारे वर्ड्स में. ओके, अगर कुछ क्लैरिटी, अगर आपको इसके कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है या थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, आप मुझे कमेंट पे डालना, मैं आपको और अच्छे समझा दूंगी नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, सो मूविंग ऑन. William heard the issues raised by the clients in the monthly meeting and assured them that he is understanding the concerns and will take corrective necessary actions. अच्छा, पिछले बार अभी दो तीन क्वेश्चन हमने देखा कि पोजेशन से अगर जो वर्ब्स पोजेशन को इंडिकेट कर रहे हैं तो उसमें आईएनजी नहीं लगता है. अब यहाँ पे आते पार्ट सी में, एंड ही अश्योर दैट ही इज अंडरस्टैंडिंग. ये किस तरह का वर्ड है, अंडरस्टैंड मतलब कुछ समझ. ऐसे वर्ड्स में भी जिसमें मेंटल कॉग्निशन यानी कि कुछ समझने की बात हो रही है, उसमें भी आईएनजी नहीं लगता है. ठीक है, तो क्या होगा करेक्ट आंसर, एंड अश्योर देम दैट ही अंडरस्टैंड्स. तो इज अंडरस्टैंडिंग इज रॉन्ग, यहाँ पे होना चाहिए दैट ही अंडरस्टैंड्स द कंसर्न्स एंड ही विल टेक करेक्टिव नेसेसरी एक्शन. तो एरर है पार्ट सी में. ठीक है, तो आप अभी हमने देखा पोजेशन, जो वर्ब्स पोजेशन की बात कर रहे हैं या जो मेंटल कॉग्निजेंस की बात कर रहे हैं, मेंटल कॉग्निजेंस. तो ऐसे वर्ड्स में कंटिन्यूस फॉर्म्स नहीं लगेंगे, यानी आईएनजी नहीं लगेगा है ना.
सो ये ध्यान रखना है. आगे बढ़ते हैं. आई कंसिडर माई सेल्फ, दो सेंटेंसेज है, लेट्स सी इसमें किसी में एरर है कि नहीं. आई कंसिडर माई सेल्फ अ रैशनल पर्सन. आई एम कंसिडरिंग माई सेल्फ अ रैशनल पर्सन. अब यहाँ कंसिडर का क्या हो रहा है, कॉग्निजेंस की बात कर रहे हैं कि मैं समझता हूँ, मैं अपने आप को एक रैशनल इंसान समझता हूँ. और दूसरे में भी वही कह रहे हैं बट इसमें अलग तरीके से कह रहे हैं दैट आई एम कंसिडरिंग माई सेल्फ अ रैशनल पर्सन. लास्ट एग्जाम्पल में हमने जैसे देखा था, यहाँ पे मेंटल कॉग्निजेंस बता रहा है हमें जो सेंटेंस है, यानी समझना है ना. तो ऐसे सेंटेंस में क्या होता है, आईएनजी नहीं लगेगा, बेस वर्ड ही रहेगा. तो फिर एरर कहाँ है, पार्ट बी में. पहला वाला है करेक्ट वे ऑफ सेइंग इट कि मैं आई कंसिडर माई सेल्फ अ रैशनल पर्सन. आई एम कंसिडरिंग माई सेल्फ अ रैशनल पर्सन विल बी रॉन्ग क्योंकि जो बेस वर्ब है कंसिडर उसमें आईएनजी लगा दिया है और ये एक स्टेटिव वर्ब है, यानी कि ये कुछ एक स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है कि मैं अपने आप को. और ये किस तरह का स्टेट ऑफ बीइंग है, ये कुछ मेंटल कॉग्निजेंस की बात हो रही है, कुछ समझने की बात हो रही है. सो आई कंसिडर माई सेल्फ अ रैशनल पर्सन. ठीक है, ये होगा करेक्ट वे ऑफ सेइंग इट. ओके सॉरी, एरर होगा बी में, नॉट ए इज राइट. ठीक है, सो क्वेश्चन 22 सिमिलर क्वेश्चन है, लेट्स सी. ही वेज 160 पाउंड्स एंड ही इज वेइंग 160 पाउंड्स. तो ऐसे भी जो क्वेश्चन हैं इस पर भी स्टेटिव है, यानी कि उसका एक स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है कि वो इतना भारी है ना. तो ऐसे भी सेंटेंसेस में आईएनजी नहीं लगता है. करेक्ट आंसर शुड बी ही वेज 160 पाउंड्स. ये राइट वे ऑफ सेइंग इट. और बी में एरर दिख रहा है हमें, ये बेस वर्ड रहेगा है ना. और यहाँ पे चूंकि ये सिंगुलर है इसीलिए एस लगाया है विच इज राइट. अगर ये प्लूरल होता दैट दे वे तो यहाँ पे एस नहीं लगता. तो दे वे 160 पाउंड्स. इन एनी केस आईएनजी नहीं लगेगा. दे आर वेइंग 160 पाउंड्स, वो भी गलत है. ही इज वेइंग 160 पाउंड्स, ये भी गलत है. वेज, ठीक है. सो एरर बी में है, ए तो करेक्ट है. क्वेश्चन 23. द प्रोफेसर रेकमेंडेड द न्यू बुक सेइंग दैट द बुक इज कंसिस्टिंग ऑफ रिसर्च फ्रॉम सेवरल प्रोमिनेंट साइंटिस्ट्स. सो यहाँ पे ए और बी में एरर नहीं है. देखते हैं कंसिस्टिंग. द बुक इज कंसिस्टिंग ऑफ रिसर्च, इज कंसिस्टिंग. सो जो कंसिस्ट है, जो वर्ब है, ये भी एक स्टेटिव वर्ब है. यानी कि वो कह रहा है कि बुक, द बुक इज कंसिस्टिंग ऑफ रिसर्च, यानी बुक में काफी सारे रिसर्च के बारे में बात हुआ है फ्रॉम प्रोमिनेंट साइंटिस्ट. तो ये भी आप नोट करिएगा कि कंसिस्टिंग यानी कंसिस्ट इज अ स्टेटिव वर्ब यहाँ पे. तो यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग यूज नहीं करेंगे. तो क्या करेक्ट वे होना चाहिए, द बुक कंसिस्ट्स ऑफ रिसर्च. तो एरर हमें पार्ट सी में दिख रहा है. सो दिस इज द राइट वे ऑफ सेइंग द बुक कंसिस्ट्स ऑफ रिसर्च फ्रॉम सेवरल प्रोमिनेंट साइंटिस्ट्स. क्वेश्चन 24. Jenny was welcomed by the writers club to read her new book. Everyone was very impressed by her work and they thought that she writes good. Okay. Last part में देखते हैं and they thought that she writes good. Good हम कब use करते हैं, जब हम कुछ बोलते हैं कि जब that she writes good, यानी कि वो अच्छा लिखती है, ये बोलना चाह रहे हैं. बट जो good है वो यूज होता है ऑलवेज विद अ नाउन, दैट ही इज अ गुड बॉय. या फिर यहाँ पे द बुक वॉज गुड है ना, दैट इट वॉज अ गुड बुक. मगर यहाँ पे जो है देख रहे हैं जो वर्ड वर्ब है, ये एडजेक्टिव जो है ये गुड है ना, वो उसके साथ कोई नाउन अटैच नहीं है. सो ये रॉन्ग वे होता है यूज करने का. सो करेक्ट क्या होना चाहिए, एवरी वन वॉज वेरी इंप्रेस्ड बाय हर वर्क एंड दे थॉट दैट शी राइट्स वेल, है ना, राइट्स वेल. यहाँ पे मेन वर्ब क्या है हमारा, राइट्स. तो राइट्स वेल होगा यहाँ पे, है ना. वेल जो है वो यूज हो सकता है विद अ वर्ब ऑल्सो, बट गुड जो है एक नाउन के साथ होगा. यानी गुड बुक इज फाइन बट राइट्स वेल. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वेल. डी में प्रॉब्लम है, बाकी तो सारे करेक्ट हैं. ठीक है. 25. द टेबल दैट आई गॉट फॉर माई होम ऑफिस इज टू बिग. इट टेक्स टू मच रूम and leaves very little space
to walk without bumping into it. अच्छा, पहले जब भी हम बात कर रहे थे वर्ब्स के बारे में तो अलग अलग बात किया था, अलग अलग टाइप्स के वर्ब्स. इन्फिनेटिव हमने देख लिया, स्टेटिव हमने देख लिया. अभी लास्ट के कुछ क्वेश्चंस में स्टेटिव में क्या था कि स्टेटिव में ऐसे कुछ कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि पोजेशन हो गया, कॉग्निटिव यानी कॉग्निजेंस हो गया, ऐसे जो वर्ड्स वर्ब्स ये जो चीज़ें बता रहे हैं सेंटेंस में, तो उसके साथ कंटिन्यूअस टेंस यूज़ नहीं होगा, यानी आईएनजी बेस्ड वर्ड में नहीं लगता है. पर्सन के लिए वो चेंज होगा, या तो प्लूरल है तो एस नहीं लगाएंगे वर्ब में, सिंगुलर है तो एस लगाएंगे. सो पर्सन के लिए वो कॉन्जुगेट हो रहा है मगर कंटिन्यूअस टेंस उसको नहीं बनाते हैं वर्ब में. अब यहाँ पे हम आते हैं तो उसके बाद हमने फ्रेजल वर्ब्स के बारे में भी पढ़ा था थोड़ा सा. फ्रेजल वर्ब हो गया यानी कि दो वर्ड मिलके कुछ एक वर्ब, मतलब दो वर्ड्स मिलके एक वर्ब का काम कर रहे हैं एक सेंटेंस में, तो वो फ्रेजल वर्ब होते हैं. सो इट टेक्स टू मच रूम मतलब कह रहा है कि जो टेबल है वो इतना बड़ा है कि रूम में बहुत ज़्यादा जगह ले रहा है. तो इट टेक्स टू मच, दिस इज़ नॉट द राइट फेज. जब हम ऐसा कोई बात करेंगे कि वो बहुत ज़्यादा सामान, बहुत सारा जगह ले रहा है, तो इट मीन्स द राइट फ्रेजल वर्ब वुड बी टेक्स अप. सो यहाँ पे अप मिसिंग है, तो ये एरर है पार्ट सी में. ठीक है, क्वेश्चन 26. क्वेश्चन 26. द बॉस हैंडेड मोहन द फाइल एंड आस्क्ड, प्लीज लुक द प्रपोजल एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक. सो पार्ट सी में देखते हैं, प्लीज लुक द प्रपोजल. क्या कहना चाह रहा है कि भाई ये है तुम्हारा फाइल, इसको थोड़ा पढ़ लो, यानी कि उसको एक नज़र देखने बोल रहा है, और उसमें अगर कोई एरर है या कुछ कुछ भी है फीडबैक तो मुझे बताओ, लेट मी नो व्हाट यू थिंक. सो ये जो यहाँ पे एक वर्ब है, यहाँ पे फ्रेजल वर्ब जो यूज़ होना चाहिए जो इस सेंटेंस को क्लियरली कम्युनिकेट करेगा कि वो उसको पेर यूज़ करने की बात कर रहा है, ना थोड़ा सा एक नज़र देखने के लिए बोल रहा है, तो करेक्ट फ्रेज होता है लुक अप, लुक ओवर. So please look over. So please look over the proposal and let me know what you think. So error है part C में. अगर हम लोग को सिर्फ look use करना होता तो हम क्या बोलते हैं, please have a look at the proposal, है ना. But यहाँ पे phrasal verb चाहिए हमें एक, तो look over is the right way. उसका मतलब होता है कि एक नज़र देखना कोई चीज़ को. तो error हमें दिख रहा है part C में, ये हमारा correct answer. The coach held a meeting after the team was defeated in the match. He told them that there will always be setbacks that they have to allow. They have to allow जो है, this is not the right form of verb जो हमें यहाँ पे use करना है. इसको कैसे लिख सकते हैं हम अगर phrasal verb यहाँ पे चाहिए हमें, allow for का क्या मतलब होता है? Allow for का मतलब होता है be ready, क्योंकि वही कहना चाह रहा है ना. He told them that there will always be setbacks, यानी कि problems तो हमेशा ही रहेंगे, but उसके लिए हमें ready रहना है, और ready रहने के लिए जो phrase use होता है वो है allow for. So error है part D में, ये हमारा correct answer है. Soumya never comes to work on time and is always making excuses for being late. करेक्ट फ्रेज यूज होना चाहिए वो है मेकिंग अप, है ना, कि शी इज ऑलवेज मेकिंग अप एक्सक्यूजेस फॉर बीइंग लेट. या फिर इसको अगर हम लोग फ्रेज में नहीं लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, सौम्या नेवर कम्स टू वर्क ऑन टाइम एंड ऑलवेज मेक्स एक्सक्यूजेस फॉर बीइंग लेट. बट यहाँ पे फ्रेजल वर्ब अगर हम यूज करेंगे तो इट्स ऑलवेज मेकिंग अप एक्सक्यूजेस. ठीक है, सो एरर दिख रहे हैं पार्ट बी में, ये हमारा करेक्ट आंसर. व्हेन आई एम ट्रैवलिंग इन द मेट्रो ट्रेन आई ऑलवेज गिव माय सीट. तो यहाँ पे भी गिव माय सीट इज नॉट द राइट फ्रेज, गिव अप यानी कि दे देना. ठीक है, सो एरर है पार्ट बी में. आई वॉज अबाउट कॉल जॉन बट देन आई लुक्ड आउटसाइड द विंडो एंड सॉ हिम एंटरिंग द हाउस. So I was about call. Call is the verb here.
है ना। और यहाँ पे बेस वर्ड बेस है, यहाँ पे आईएनजी नहीं लगा हुआ है, तो ऐसे में हमें इसको क्या बनाना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा, इन्फिनेटिव बनाना पड़ेगा। तो क्या होगा करेक्ट पे, आई वॉज अबाउट टू कॉल जॉन बट देन आई लुक्ड आउटसाइड द विंडो एंड सॉ हिम एंटरिंग द हाउस। तो एरर में देखना है ए में। इसको अगर हमें आईएनजी करके यूज करना है तो क्या लिखेंगे, आई वॉज कॉलिंग जॉन, है ना। पर चूंकि अगर बेस यहाँ पे दिया है तो हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि बेस कब यूज होता है, जब भी टू लगा रहता है, जब इन्फिनेटिव रहता है वर्ब, तो यहाँ पे या तो टू होना चाहिए या सेंटेंस को रिफ्रेस करना चाहिए दैट आई वॉज कॉलिंग जॉन। सो एरर है पार्ट ए में और ये हमारा करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चंस आज इतने करते हैं। आज मैं आपको, क्योंकि हम लोगों ने फ्रेजल वर्ब्स को टच किया है, तो मैं कुछ कुछ फ्रेजल वर्ब्स आपको बताती हूँ और इसके क्या मीनिंग है। अगले क्लास में भी हम लोग फ्रेजल वर्ब पे थोड़ा फोकस करेंगे, बिकॉज ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे फ्रेजेस हैं जिसमें बेस वर्ड सेम ही रहता है मगर उसके मीनिंग अलग अलग रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि बेस वर्ब के बाद कौन सा वर्ड फॉलो कर रहा है। सो गिव अप का कुछ एक मतलब हो सकता है, गिव इन का मतलब क्या हो सकता है। तो ऐसे ऐसे जो फ्रेजेस हैं हम लोग उसको डिटेल में नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, और वो क्लास मिस मत करिएगा बिकॉज ये बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता है। तो एक बार उसका मीनिंग हम अच्छे से समझ लेंगे ताकि फ्रेजल वर्ब्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं हो सॉल्व करने में। सो आज ये सारे फ्रेजल वर्ब्स हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए भी इस पे। टेक्स अप मतलब ऑक्यूपाइज, लुक ओवर होता है एग्जामिन करना, और एग्जाम्पल ये है दैट लुक ओवर द प्रपोजल। गिव अप मतलब स्टॉप ट्राइंग, दैट डोंट गिव अप, है ना। गिव अप इसका मतलब एक और होता है विकेट, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था कि वो ट्रेन में वेन एवर ही ट्रेवल्स आई गिव अप माई सीट टू द एल्डर्स। अच्छा यहाँ पे आई गिव अप माई सीट फॉर एल्डर्स। अलाउ फॉर मतलब होता है कंसिडर करना, वी मस्ट अलाउ फॉर सेट बैक। डाई डाउन बिकम लेस सेंटेंस यानी वेट फॉर द फायर टू डाई डाउन, यानी कि फायर थोड़ा कम हो जाए उस तब तक का वेट कर लो। टुक ऑफ मतलब बिगैन टू फ्लाई, यानी फ्लाइट के लिए हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो फ्लाइट टुक ऑफ। मेकिंग अप यानी इन्वेंटिंग, दैट शी इज ऑलवेज मेकिंग अप एक्सक्यूजेस, शी इज मेकिंग अप स्टोरीज, है ना, इन्वेंट कर रही है। लुक आफ्टर मतलब टेक केयर, लुक आफ्टर योर मदर। केम अक्रॉस मतलब फाउंड या मेट, दैट आई केम अक्रॉस माई ओल्ड रूममेट या आई केम अक्रॉस माई ब्रदर। पिकिंग मतलब, पिकिंग ऑन मतलब होता है टीजिंग, स्टॉप पिकिंग ऑन योर ब्रदर यानी अपने भाई को तंग करना बंद करो। गेट अवे मतलब एस्केप्स, शी गॉट अवे विद अ प्लान, है ना, क्यों बच गई। फिल इन फॉर मतलब सब्स्टिट्यूटिंग, मिस्टर रॉय इज फिलिंग इन फॉर डॉक्टर मिस्टर डेविस इन हिज एब्सेंस, यानी कि वो नहीं है तो उसके जगह में अगर सब्स्टिट्यूट की बात करते हैं तो वी ऑलवेज यूज फिलिंग, फिल इन, है ना। आस्क आउट मतलब होता है इन्वाइट ऑन अ डेट, यानी कैली आस्क आउट चैट, यानी चैट को कह लीजिए डेट पे इनवाइट किया। सो ये कुछ फ्रेजल वर्ड्स हैं, अगले क्लासेस में हम और सारे फ्रेजल वर्ब्स पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, डोंट मिस इट। और तब तक के लिए आपको अगर कुछ क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन पे लिखना। आज या कल से मैं आपको पीडीएफ भी शेयर करूंगी इन सारे स्लाइड्स का, और इसीलिए आप उसको कभी भी रेफर कर सकते हो, मैं आपको लिंक भेजूंगी। सो डू चेक इट आउट, आपको और क्लैरिटी मिलेगी अगर आपको बाद में शांति से अगर रिवाइज करना है तो, क्योंकि ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है जो फ्रेजल वर्ब्स हैं। सो ये आप मिस मत करना, तब तक टेक केयर, और हम अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।